अब हमें कितनी देर तक सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए कि हमारे शरीर में एडिक्वेट विटामिन डी का सिंथेसिस हो। ये बात समझने से पहले हम एक बात ये समझते हैं कि जो विटामिन डी हमारे शरीर में तब बनता है जब सूरज की यूवी बी रेज हमारे स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हैं। तो जनरली सबसे ज्यादा विटामिन डी का सिंथेसिस समर के मंथ्स में होता है, विंटर्स में भी होता है, बट द बेस्ट टाइम इज समर मंथ। और दोपहर 10 बजे से 3 बजे तक का टाइम, जब बिल्कुल सूरज आपके सर के ऊपर होता है, तब सबसे ज्यादा विटामिन डी सिंथेसिस होता है। इसके अलावा ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी कि बॉडी के कॉम्प्लेक्शन का बहुत रोल है इसमें, कि जो लोग फेयर स्किन के लोग हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, उनमें कम समय के सूरज के एक्सपोजर से ही विटामिन डी बन जाता है। जिनका कॉम्प्लेक्शन रिलेटिवली डार्क है, उनमें ज्यादा लंबा सन एक्सपोजर चाहिए होता है विटामिन डी बनाने के लिए।